जिनके यहाँ भागवत लगा था ना, मैं उन्हीं के यहाँ हूँ और कल शाम वहीं पे स्टे करा था, तो उनके अभी दूसरे घर में आ रखे हैं। अब देखो फिर आज यहाँ से यात्रा कहाँ तक होती है। अभी सुबह सुबह उठने के बाद नहाया भी नहीं है। देखो ये आज मैं लगा रहा हूँ एलोवेरा। एक्चुअली यहाँ पे भैया जी भी हैं, ये भी लगा रहे थे। हाय, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब एलोवेरा थोड़ा बहुत सूखेगा, उसके बाद नहाएंगे। आज देखते हैं यहाँ से यात्रा कहाँ तक होती है। वैसे मैंने सोचा है यहाँ से चंद्रबदनी तक जाने का। अब मुझे पता चला है यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ चंद्रबदनी का मंदिर। तो आइए बिना देर करते हुए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। हाँ, पूरा गांव। और सुबह सुबह ना बहुत प्यारे प्यारे बादल लगे हुए थे नीचे, तो अभी सारे बादल हट चुके हैं। अभी दिन के लगभग 10:30 होने को जा रहा है और भैया जी के घर में ना एक पुराने समय की कलाकारी देखने को मिल रही है। अब मॉडिफाई कर रखा है, परंतु वो पुरानी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं जो लकड़ी में कलाकारी होती थी पहले के टाइम में। क्या करोगे डंडे से? अच्छा, गेट। तो एक गेट लग चुका है नॉर्मल। यहाँ पर लगी हुई है भागवत कथा। मैं भी जा रहा हूँ फिर ऊपर चंद्रबदनी। हाँ, देखूंगा शाम को क्या रहता है मौका। हाँ, नाश्ता कर लिया मैंने। कहाँ पर कर? अभी नीचे करा। ये ना? हाँ, नाश्ता कर लो। कर लिया मैंने नाश्ता। हाँ हाँ, ठीक है, वापसी में देखते हैं फिर जैसा भी मौका बने। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। अभी ऊपर ये बिस्ट जी भी बता रहे थे एक जगह, अभी थोड़ी देर पहले गया था मैं रोड में, तो अपना सारा सामान तो मैंने वहाँ पे पैक कर दिया है गाड़ी में। तो अब गाड़ी लेकर के चलते हैं। और ये गांव वाले बता रहे हैं कि एक जगह यहाँ कहीं पास में सूर्य मंदिर है जो कि स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हुआ है। अब देखो उसके बारे में अभी मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल पता नहीं है, अब वहीं जाकर के पता चलेगी। कोशिश करेंगे, अगर हर रोज गांव की ओर जाएंगे तो गांव के लोगों से मिलेंगे, नया कुछ सीखने देखने को सभी कुछ मिलेगा। तो चलो देखो फिर आगे आगे क्या होता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पड़ता है कंडोला खाल मार्केट। तो अब इससे मुझे जाना है आगे। तो यह है यहाँ का लोकल मार्केट है जहाँ पर सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। आई थिंक मेरे हिसाब से सामने वाले टापू में होगा शायद मंदिर। इस जगह का नाम क्या कहते हैं? इस जगह का नाम जामनी खाल। तो अभी मेरे कहूँ जामनी खाल में गाड़ी यहाँ पर लगा रखी है। एक्चुअली दोपहर भी हो गई है और भूख लगी हुई है, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था में 2-3 ही दुकानें हैं। एक दुकान ऊपर बताइए भैया ने, तो वहाँ पर चल करके पहले करते हैं लंच और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। लंच भी कर लिया है और अभी मैं रास्ते में फिर से एक जगह रुका हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ एंड उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से ऊपर माता मंदिर के लिए। अभी देखो दोपहर हो चुका है, मेरा थोड़ा बहुत अर्जेंट ही काम है। अब देखो उसमें कितना टाइम लगता है एंड उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पर से देखोगे ना पहाड़ों का कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक पहाड़ देखने को मिल रहे हैं और सामने हिमालय भी देखने को मिल रहा है। और चंद्रबदनी मंदिर सामने है इस वाले पहाड़ के टापू में यहाँ पर। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अभी मोरखाली में, यानी चंद्रबदनी पार्किंग में। तो मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया है, तो इसके बाद फिर आगे के लिए रोड है या आगे गांव है? अच्छा, गांव के लिए जाएगी रोड, बस हो गया, फिर आगे के लिए नहीं जाएगी। तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। मैंने अपना सारा सामान निकाल करके रख दिया है बिरजी के यहाँ। तो बिरजी की यहाँ पर दुकान भी है, प्रसादी की पूजा पाठ सामग्री यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, शाम को रुकने की व्यवस्था में यहाँ पर होम स्टे या होटल्स अवेलेबल हो जाते हैं क्या? रहता है ऊपर ही है। अच्छा, ऊपर ही है। अच्छा, मंदिर के पास ही है गांव में वो गेस्ट हाउस। अच्छा, गेस्ट हाउस नीचे है। एक रात का 500, उसमें खाना पीना भी रहता है या? खाना पीना तो आपने करना पड़ेगा, अलग रहता है ना ऊपर। अच्छा, और यहाँ से अब पैदल ट्रैक है लगभग 1 किलोमीटर का। और ये रहा मंदिर का गेट। बट टाइम तो आज भी काफी ज्यादा हो गया है, लगभग 3:30 होने को जा रहा है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है एंड उसके बाद फिर देखते हैं, मौका लगेगा तो नीचे उतर जाएंगे, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर आज चंद्रबदनी में ही रहेंगे, शाम का स्टे यहीं पर रहेगा। और यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे तो अद्भुत हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
भी कुछ दिखा रहा मुझे। ये देखो गाइस, ये और ये गाइस, ये भाग गया। जैसे कुंजापुरी में स्टेयर्स थी ना, वैसे इसमें भी बहुत सारे स्टेयर्स हैं, ऊपर तक चढ़ना है। चलो सूर्यास्त होने से पहले मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, जैकेट उतार दी मैंने। जय हो। तो मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो ये रहा मंदिर का मुख्य प्रवेश रास्ता, और इधर भी देवी देवता विराजमान हैं, और इस साइड भी अभी इस साइड काम चल रहा है, सामने गेट बन रहा है। तो चंद्रबदनी मंदिर के संपूर्ण दर्शनों के साथ साथ आइए थोड़ा बहुत चंद्रबदनी मंदिर के बारे में भी जानेंगे यहाँ के पंडित जी पुजारी जी से। और दोस्तों ये रहा चंद्रबदनी मुख्य मंदिर। तो यहाँ पर माता रानी विराजमान है, बगल में हवन कुंड है, और ये रहे मंदिर के संपूर्ण दर्शन। आप लोगों को यह भी बता दूं, अब आगे की जो जर्नी है ना, उसमें शायद ही आपको इतनी हाइट में कोई मंदिर देखने को मिले। तो यह मंदिर सुरकंडा मंदिर और माँ कुंजापुरी मंदिर के बराबरी ही हाइट में है, लगभग 7-8 हज़ार फीट से ऊपर ही है। आई थिंक यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरी हिमालय की श्रृंखला देखने को मिल रही है, और सूर्यास्त भी होने ही वाला है अभी। और अभी मैं आ गया हूँ मंदिर से थोड़ा बहुत नीचे, यहाँ पर एक जगह कमरे में। तो यहाँ पर रहेगा आज शाम का विश्राम, क्योंकि शाम भी हो गई थी, फिर यहाँ से अगर नीचे जाता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए यहीं मंदिर में रुकना मैंने सही समझा, और आज शाम का स्टे यहीं पर रहेगा। और ऊपर से मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं मंदिर में, तो आपको सही रेंट पे यहाँ पर रूम मिल जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ पर रह सकते हैं। और शाम को खाने की व्यवस्था में यहाँ पर कैंटीन है, तो कैंटीन में खाना इजीली मिल जाता है। आज भी सूर्य भगवान ने अपनी लालिमा बिखेर दी है। और आज पूरा सूर्यास्त होते हुए देखा, लेकिन अभी हिमालय पे रोशनी है, वो लालिमा बिखरी हुई है। पूरी तरह से शाम हो गई है, मंदिर में आरती भी हो गई, और ऊपर से लोटे में पानी लेकर के मैं जाने लगा रूम की ओर। मुझे पता चला यहाँ पे रात को ना लेपर्ड भी आता है, तो इसलिए समय से रूम पर जाना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि चारों तरफ जंगल है ना। आज आपको यहाँ से जो रात्रि का व्यू देखने को मिलता है ना, यानी नाइट में देखो कितनी ज़्यादा चमचमाहट, लाइट ही लाइट, वाओ कितना मस्त लग रहा है। कैमरे में सभी नहीं आ रहा है, लेकिन कल वाला व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एंड फिर आगे की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। और कल फिर एक और नए दिन की शुरुआत होगी इस खूबसूरत पवित्र धाम यानी चंद्रबदनी से। तो आई होप गैस आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि हाँ आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे इन खूबसूरत पहाड़ों से। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।